अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरी हमेशा से ये कोशिश रहती है कि मैं अरबी आप लोगों को इतने साफ और सही तरीके से बता दूं कि मेरी बात आप लोगों के समझ में आ जाए। और अगर वीडियो देखने के दौरान आपके मन में कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए ठीक है, मैं अपने वीडियो को आगे की तरफ लेकर चलता हूँ। मतर, मतर यानी बरसात। सऊदी अरब में बरसात को मतर के नाम से जाना जाता है। जैसे कि अगर आपसे किसी ने ये बोला कि मुमकिन इजी मतर, यानी कि हो सकता है बारिश होगी, तो आप बोल सकते हैं इधर से इंशाल्लाह मुमकिन इजी मतर, यानी कि इंशाल्लाह बारिश होगी। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि सऊदी अरब में बरसात को मतर के नाम से जाना जाता है। इकदर, इकदर यानी आएगा। जैसे कि आप एक ड्राइवर हैं और आप गाड़ी लेके गए हैं कहीं मार्केट में और आपको पार्किंग करनी है और जगह थोड़ा ही है, तो वहाँ पर इकदर शब्द का इस्तेमाल होगा। जैसे कि आपके कफिल ने बोला इकदर, यानी कि आपका कफिल बोल रहा है कि क्या इतने से जगह में गाड़ी पार्किंग हो जाएगी, यानी कि गाड़ी आ जाएगी, तो आप इधर से बोल सकते हैं अईवा इकदर, यानी कि हाँ इतने से जगह में गाड़ी पार्किंग हो जाएगी। या तो आपको ऐसा लग रहा है कि इतने से जगह में मैं गाड़ी पार्किंग नहीं कर पाऊँगा, तो आप इधर से बोलेंगे माँ इकदर, यानी कि इतने से जगह में गाड़ी पार्किंग नहीं हो सकती। एक तरीके से इसको और समझ लीजिए कि यह शब्द कैसे इस्तेमाल होगा। जैसे कि आप बकाले पर गए हैं और आपको कोई सामान 25 रियाल में मिल रहा है, तो आप इधर से बोल सकते हैं उसको 20 रियाल इकदर, यानी कि क्या यह सामान 20 रियाल में आएगा, तो अगर वो रहेगा तो बोलेगा आईवा, नहीं आएगा तो बोलेगा ला। आईवा का मतलब होता है हाँ और ला का मतलब होता है नहीं। नज्म, नज्म यानी तारे। तारे को कुछ लोग तारा भी कहते हैं और कुछ लोग तारे बोलते हैं, और इसको सऊदी अरब में नज्म के नाम से जाना जाता है। कमर, कमर यानी चांद। सऊदी अरब में चांद को कमर के नाम से जाना जाता है। तक्स, तक्स यानी मौसम। सऊदी अरब में मौसम को तक्स के नाम से जाना जाता है। जैसे कि अगर आपसे किसी ने बोला कैफ हुआ तक्स, यानी कि मौसम कैसा है, तो आप जवाब में बोल सकते हैं तक्स फी कोइस, यानी कि मौसम बहुत अच्छा है। या तो आप इस तरीके से भी बोल सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह फी तक्स, यानी कि अल्लाह का शुक्र है मौसम अच्छा है। कहने का मतलब यह है कि अगर आपको किसी से मौसम के विषय पर बात करनी है तो वहाँ पर तक्स शब्द का इस्तेमाल होगा। राद, राद यानी बिजली। सऊदी अरब में बिजली कड़कने को राद कहा जाता है। और ये कौन सी बिजली है आपको मैं बताता चलूँ कि यह वही बिजली है जब बारिश होती है तो एक बिजली कड़कती है जिसको हम लोग बिजली कहते हैं, और इसको सऊदी अरब में रात कहा जाता है। गुयूम, गुयूम यानी बादल। सऊदी अरब में बादल को गुयूम के नाम से जाना जाता है। गमाम, गमाम यानी धुआं। सऊदी अरब में धुएं को गमाम कहा जाता है, और ये कोई भी धुआं हो सकता है। एक तो वो होता है जो आग लगने से धुआं निकलता है, उसे भी गमाम ही कहते हैं, और एक वो होता है जो ठंडी के मौसम में धुआं निकलता है, उसे भी गमाम कहा जाता है, और सिगरेट के धुएं को भी गमाम कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि धुआं कोई भी हो, सऊदी अरब में उसे गमाम कहा जाता है। तुराब, तुराब यानी धूल। सऊदी अरब में धूल को तुराब के नाम से जाना जाता है। सऊदीया में अक्सर हवा और आंधी चलता रहता है, और बालू होने के कारण यहाँ पर धूल भी ज़्यादा हो जाती है। जब भी कोई आंधी आती है या तो तेज़ी से हवा चलती है, तो ये जो बालू होता है वो हवा में उड़ने लगता है
और धूल की शक्ल में दिखने लगता है तो इसी को तुराब कहा जाता है। हजर, हजर यानी पत्थर। सऊदी अरब में पत्थर को हजर के नाम से जाना जाता है, चाहे वो पत्थर छोटा हो, चाहे वो पत्थर बड़ा हो, चाहे वो किसी भी साइज का हो, उसे हजर ही कहते हैं। एक भाषा में हम और आप जिसे कंकड़ कहते हैं उसे भी हजर कहा जाता है। जबल, जबल यानी पहाड़। सऊदी अरब में पहाड़ को जबल के नाम से जाना जाता है, जिस तरीके से जबल अल नूर है और भी जिस तरीके से जितने भी पहाड़ हैं उनको जबल के नाम से ही जाना जाता है। आपकी जानकारी के लिए मैं बताता चलूं कि सऊदीया का मक्का शहर पूरा पहाड़ों से घिरा हुआ है। कहने का मतलब ये है कि पहाड़ चाहे कोई भी हो, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो बड़ा हो, उसे जबल ही कहा जाता है। गार, गार यानी गुफा। सऊदी अरब में गुफा को गार के नाम से जाना जाता है और ये गुफा चाहे छोटी गुफा हो और चाहे बड़ी गुफा हो, चाहे वो ज़मीन के नीचे से हो, चाहे वो पेड़ के अंदर से हो, चाहे वो पहाड़ के अंदर हो, गुफा कोई भी हो उसे सऊदीया में गार के नाम से जाना जाता है। इंशाल्लाह मेरी बात आपके समझ में आ गई होगी। और अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों को शेयर भी कर सकते हैं।